नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद में जन समस्याओं के त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा जन सुनवाई प्रणाली को आसान बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री गौरान राठी द्वारा कलेक्ट्रेट में जनसंवाद अभियान का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। नव संस्थापित जन सुनवाई प्रणाली के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट में एकीकृत रूप से राजस्व विभाग, विकास विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग व कृषि विभाग से संबंधित समस्याओं के निवारण तथा असमर्थ व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र लिखवाने हेतु निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए अलग अलग काउंटर स्थापित कराए गए हैं। जन सुनवाई नियमित रूप से प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक की जाएगी। पूर्व में की गई जन सुनवाई को अंतिम कार्यवाही परिणाम तक ले जाना तकनीकी रूप से फेल हुई। जन सुनवाई का फॉलोअप करना तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत लेकर आता है तो सबसे पहले यहां तैनात कर्मचारियों द्वारा शिकायत निवारण के संबंध में शिकायतकर्ता को पूरी जानकारी दी जाएगी। विशेष शिकायतों में विकासखंड एवं तहसील स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतकर्ता से सीधा जुड़ा जा सकेगा। इसमें जन सामान्य को कलेक्ट्रेट कारण चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायतों के निस्तारण में कम समय में बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस अवसर पर सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा, एडीएम नरेंद्र कुमार, एडीएम न्यायिक विकास कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शुभम यादव, सूचना अधिकारी सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।